हाय फ्रेंड्स, मैं मयूर, मयूर मोटर्स। आज आपको बताने वाला हूँ स्विफ्ट बेसिक सर्विस कैसे करते हैं। आज मैं कार का सर्विस करने वाला हूँ, तो आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं उसका बदलूंगा इंजन ऑयल। ये डिपस्टिक से आप देख सकते हो पूरा ऑयल एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया है, तो मैं इसे भी चेंज करने वाला हूँ। यहाँ से ऑयल फिल्टर चेंज करने वाला हूँ। ये ऑयल फिल्टर का लोकेशन है। यहाँ से ऑयल डालने वाला हूँ नया वाला। ये एयर फिल्टर लोकेशन है। यहाँ से एयर फिल्टर में निकालूंगा, आप देख सकते हो एयर फिल्टर है, पूरा डस्ट है। कोई सर्विस पे उसे क्लीन भी करना रहता है, कभी बहुत डस्ट होता था, हम न्यू भी डाल देते। आज मैं न्यू डालने वाला हूँ। ये इंजन ऑयल, ये कूलेंट का बॉटल है। ये कूलेंट भी मैंने चेक कर लिया, ये भी बहुत खराब हो गया, सादा पानी डाला हुआ है ऐसे भी। ये पानी भी मैं चेंज करने वाला हूँ, कूलेंट डालूंगा इसके अंदर। बैटरी पानी चेक करूंगा, ब्रेक ऑयल चेक करूंगा, विंडशीट वाटर चेक करूंगा, टाइम ऑल्टरनेटर बेल्ट चेक करूंगा, हेडलाइट ब्रेक लाइट सब चेक करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स। ये पूरा किट मैंने लगा के रखा है, आप देख सकते हो। मैं विडोल का सिंथेटिक ब्लेंड ऑयल डालने वाला हूँ इसके अंदर। 3.3 आने वाला है, 3.5 का डिब्बा ही है। ये बॉस का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है। ये एयर क्लीनर एयर फिल्टर है। एलोफी का कूलेंट आएगा। ये सब डालने वाला हूँ मैं इसके अंदर आज सर्विस के अंदर, देखते हैं। और एक चीज आपको बहुत बढ़िया बताने वाला हूँ, ये उनोमिंडा का ट्रम्पेट ड्यूअल टोन हॉर्न मैं इसमें बिठाने वाला हूँ। इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ये हॉर्न कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में फुल वायरिंग का, मैं इंस्टॉलेशन का, लोकेशन का सब वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए आप। एयर फिल्टर डालता हूँ इसके अंदर, अब देख सकते हो ये नया वाला है, ये बॉस का ओरिजिनल। ये इसका इस तरह से बैठ जाएगा, ये स्क्रू रहेगा इसके साथ में। पहले हमें यह लगाने से पहले यहाँ इसके अंदर मिट्टी धूल रहता है, उसको एयर लगाना रहता है। फ्रेंड्स, ये ऑयल फिल्टर लोकेशन है। इसमें स्पेशल 27 का बोल्ट लगता है, टूल्स लगाना होता है, ऐसे निकाल देना है हमें। इसके अंदर साथ में ऑयल फिल्टर आ जाएगा, आप देख सकते हो ये ऑयल फिल्टर है। इसे मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे एक ओरिंग रहता है वो भी चेंज करना पड़ता है हमें। ये नया फिल्टर है, साथ में ये एक ओरिंग भी है, ये भी चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे बिठा के। फ्रेंड्स, मैंने ऑयल फिल्टर निकाल लिया है, एकदम ब्लैक हो गया है, आप देख सकते हो। इसे चेंज करना रहता है। और ये इसका कैप है, उसमें ये ओरिंग आता है वो चेंज करना पड़ता है हमें। ये वाला पुराना वाला है, मैंने चेंज कर दिया ये रिंग। और ये ऑयल फिल्टर है, उसे जस्ट ऐसे बिठाना है इसके अंदर और यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है इसके लोकेशन पे। क्लॉकवाइज इसके घुमाना है। फ्रेंड्स, इसे 25 न्यूटन पे मीटर का टॉर्क लगा के हमें टाइट करना रहता है, आप देख सकते हो परफेक्ट हो गया है। ये ऑयल ड्रेन करने का चैम्बर बोल्ट है, लोकेशन है इसका। इसे मैंने लूज कर लिया है, यहाँ से चैम्बर में से इंजन ऑयल निकल जाएगा, आप देख सकते हो। ये 17 नंबर का बोल्ट होता है। अब मैं इसे छोड़ दूंगा थोड़ी देर के लिए ऑयल ड्रेन करने के लिए। ये चैम्बर बोल्ट है 17 नंबर का, ऑयल पूरा ड्रेन हो गया है। मैं इसे अब लगाने वाला हूँ।
ऑयल डालने का लोकेशन ये है, बोल दिया है कैप, यहाँ से ऑयल डालेंगे। और ये पुराना निकला हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम ब्लैक ब्लैक है, पूरा भी नहीं है और एकदम ब्लैक है, इसका विक्स क्वालिटी एकदम खत्म हो गया है। बेडॉल सिंथेटिक ब्लेंड ब्लू बर्ड 10W13। फ्रेंड्स इसमें 3.3 हम ऑयल डालने वाले हैं सिंथेटिक ब्लेंड, फ्रेंड्स ये ब्रेक ऑयल है, आप देख सकते हो आपको दिखाई भी दे रहा है, इसमें .3 यूज करना रहता है, कंपनी ने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो फुल है यहाँ पे, इस तरफ मार्क भी लगा हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम, आपकी जानकारी के लिए मिनिमम मैक्सिमम है और यहाँ लास्ट में रहता है मिनिमम, उंगली है मेरी वहां पे मिनिमम या मैक्सिमम दोनों के बीच में, यानी कि परफेक्ट है। कभी कोई पूछता है कि क्लच ऑयल और ब्रेक ऑयल कहाँ से चेक करें, तो फ्रेंड्स ये स्विफ्ट के अंदर क्लच और ब्रेक का ऑयल एक ही साथ में दिया गया हुआ है, कोई कोई कार में अलग भी रहता है। ये आप देख सकते हैं पाइप है, वो क्लच के लिए है, इसमें से ही जा रहा है ऑयल, इसको आपको अलग से देखने का जरूरत नहीं है। ये कूलेंट बोतल है, इसके अंदर एकदम मिनरल पानी डाला हुआ है, ऐसे ही आप देख सकते हो। तो मैं आज इसको चेंज करके कूलेंट डालने वाला हूँ। इसका ड्रेन करने का प्लग यहाँ पे दिया गया है, रेडिएटर के नीचे है, मैं कार के नीचे हूँ, इसे इस तरह से घुमाना है तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, ऐसे मैं पूरा ड्रेन कर दूंगा। इसका ड्रेन प्लग है, नीचे रेडिएटर के नीचे लगा रहता है ये, इसे खोल के मैंने कुछ सारा पूरा वाटर निकाल दिया, आप देख सकते हो सादा है, ऐसे मिनरल ऑयल भी और मिनरल पानी ही है, कूलेंट नहीं है, तो इसे मैं लगा दूंगा वापस और कूलेंट चेंज कर दूंगा। फ्रेंड्स एलोफिक का कूलेंट डालते हैं हम, नीचे ड्रेन बोल्ट टाइट कर दिया है, आप देख सकते हो मैंने ट्रेन किया तो इसके अंदर से जो रस्ट निकला हुआ है ये थोड़ा सा निकला है, थोड़ा सा तो अंदर रह जाएगा, अगली बार निकलेगा, ऐसा रहता है अगर आप कार में कूलर नहीं डालते हैं तो। फ्रेंड्स ये फ्रंट व्हील है, इसे हमें कैलिपर देखना रहता है, ये कैलिपर है, मैंने दो बोल्ट खोल के निकाल दिए यहाँ पे इसे जस्ट खींचना रहता है इसे, ये हमारे दो ब्रेक पेड़ है, ये कैलिपर पिन हमारा लूज होना चाहिए, इसका जाम था एकदम, मैंने पूरी तरह से ठोक के निकाला है, एकदम रस्ट था इसके अंदर। ये ब्रेक पेड़ हमें बढ़िया है तो चलाने रहते, अभी ये चलने वाला है, ये तो रिप्लेस करना पड़ता है, ये परफेक्ट है, ये फ्रंट ब्रेक पेड़ है हमें, ये कितना कचरा डस्ट धूल है आप देख सकते हो, इससे क्या है ऐसे परफेक्ट काम नहीं करेगा, यहां से फ्लो नहीं आएगा, जितना चाहिए उतना, ये हिलेगा भी नहीं, इतना भी फ्लो नहीं रहेगा, अब देखना फुल फ्लो आएगा। हम कभी कभी चार पे चलाते हैं तो दो का ही फ्लो हमें मिलता है, ये जाम ये रहेगा तो आप देख सकते हो कितना जाम,
फ्रेंड्स थोड़ा सा चूहों ने भी काट लिया है, अब देख सकते हो टूटा हुआ है, चूहे भी आए लगते हैं, इनका ही काम है ये सब। अगर ये फिल्टर नहीं रहेगा तो एसी के अंदर चूहा चला जाएगा, पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। फ्रेंड्स नया वाला ऐसा रहेगा एकदम बढ़िया व्हाइट, पुराना भी पहले ऐसा ही था, कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाता है। जीप का है, यहाँ पे इंस्टॉल कर दे इसे ऐसे। हाय फ्रेंड्स, अपना कार कंप्लीट परफेक्ट सर्विस हो गया है, अब चालू करके बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स कार स्टार्ट करता हूँ, एकदम परफेक्ट है, इसका आवाज भी बदल गया है, एकदम साइलेंट कार हो गई है। चालू कार में कोई भी लाइट नहीं आना चाहिए, एक हैंड ब्रेक का है और डोर खुला इसके लिए। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।